आम आदमी पार्टी ने किया आंदोलन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव में जानबूझकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सर्वे में गड़बड़ी कराई। इसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से किया आंदोलन। इसी के संबंध में प्रोफेसर एपी सिंह पाल, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज हम लोग अपने जिला अध्यक्ष नजरुद्दीन मलिक के समस्त साथियों के साथ कचहरी में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से सरकार ने कूट के साथ नूरा कुश्ती करके ओबीसी को नगर निकाय चुनाव में बरसों से मिल रहा आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है, उसका आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर पिछले 8 सालों से सरकार आक्रमण कर रही है, उनके संरक्षण को खत्म कर रही है, उसको आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि जब तक पिछड़ों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम संसद का घेराव करने तक को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर आरक्षण को वापस नहीं होने देंगे। पिछड़े को हक दिलाने के लिए जो भी करना होगा, आम आदमी पार्टी वे करने को तैयार है। जब धारा 144 के उल्लंघन के बारे में मीडिया ने पूछा तो प्रोफेसर एपी सिंह पाल ने बताया कि 365 दिन में कितने दिन धारा 144 नहीं लगी रही है। धारा 144 का मतलब ये होता है कि हम अपनी भावनाओं से वंचित रह जाएं। हम लोग गरीबों के अधिकारों की लड़ाई के लिए आंदोलन नहीं कर पाए। धारा 144 का मतलब यह है कि हमें प्रशासन को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना है, लेकिन हम अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखने के लिए बाध्य होंगे, और इसमें कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं है। कचहरी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर धारा 144 नहीं होती है। कचहरी पर धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आरक्षण विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विकास विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विकास विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विकास विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बदलनी है सरकार, बदलनी है। मैं प्रोफेसर एपी सिंह पाल, प्रदेश अध्यक्ष हूँ पिछला वर्ग का। आज हम लोग अपने जिलाध्यक्ष डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक के समस्त साथियों के साथ में जो है कचहरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से सरकार ने कूट के साथ नूरा कुश्ती करके ओबीसी को नगर निकाय चुनाव में बरसों से मिल रहा आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है, उसकी आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर ये पिछले 8 सालों से सरकार आक्रमण कर रही है, उनके आरक्षण को ख़त्म कर रही है, विभिन्न तरीके अपना करके ख़त्म कर रही है, उसको जो है आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि जब तक पिछड़ों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग जो है संसद का घेराव तक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर आरक्षण को वापस नहीं होने देंगे। ये उनका नैतिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त छीनने से रोक दिया जाएगा, और आम आदमी पार्टी पिछड़ों के हक के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने को तैयार है। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब, धारा 144 में लगी हुई आप जो हैं काफी संख्या के हिसाब से? देखिए, धारा 144 के संबंध में आप मुरादाबाद माननीय आदरणीय हमारे जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे मैं खड़ा हूँ,
और मैं आरटीआई के माध्यम से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 365 दिन में कितने दिन धारा 144 नहीं लगी रही है। धारा 144 का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी जो है भावनाओं से वंचित रह जाएंगे, हम लोग गरीबों के अधिकार के लड़ाई के लिए मतलब जो है आंदोलन नहीं कर पाएंगे। धारा 144 का मतलब ये है कि हमें मतलब जो है प्रशासन को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना है, लेकिन जो है हम लोग अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखने के लिए बाध्य होंगे और इसमें कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं है। नहीं, कचहरी बिल्कुल नहीं, कचहरी पर जो है कचहरी और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर धारा 144 लागू नहीं होती है। इसके लिए मैं आपको भी बताना चाहता हूं और लोगों को भी संज्ञान में लाना चाहता हूं, कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं है ना, किसी भी कीमत पे नहीं उल्लंघन नहीं, ना कोई उल्लंघन नहीं है, कचहरी पर धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता है। शुक्रिया।